हमारा झारखंड खनिज संसाधन से भरा है और यहाँ विकास के नाम से सरकार लाखों रुपए नदी की नाई बहा रहा है। ऐसा मुद्दा गुमला जिले के दक्षिणी कोयल नदी की है, जहाँ वर्ष 2010 में पुल तो बना लेकिन महज 11 महीना में ही टूटकर बह गया। पुल निर्माण कार्य में घोटालेबाजी के कारण घटिया सामग्री एवं नींव की गहराई कम होने के कारण ये स्थिति पैदा हुआ, जिसका नतीजा हम और मेरे समुदाय के लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं शांति कुमारी बड़ाई और ये है मेरा समुदाय। दीदी, आपको नाव में चलते हुए कैसा लगता है? डर लगता है, डर लगता है रे, लेकिन तब पार करना ही है, इसलिए क्या करेंगे। ज्यादा बहुत ज्यादा पानी रहता है तो कम पानी में तो उतना डर नहीं लगता है। पुल रास्ता तो जाना मुश्किल है, उधर से तो पैदल तो बहुत कठिन है। और साइकिल को पुल में पार ही नहीं कर सकते हैं, रेल पुल में वो तो बहुत दूर है यहाँ से। गाड़ी का तो रे कोई सुविधा नहीं है, इसलिए पैदल ही आना जाना पड़ता है। और दिक्कत होते हुए भी क्या करेंगे, पढ़ाना है बच्चों को, नौकरी है, इसलिए पार होके आते हैं। गर्मी में सूखा रहता है, बरसात में ही बहुत दिक्कत होता है। कोई भी काम होगा जो नदी पार करना ही पड़ेगा, जैसे कामडारा जाना हुआ, प्रखंड का काम, बैंक का काम, स्कूल का काम, ग्राम सभा में बातचीत करते हैं और दरखास्त सब देते हैं, लेकिन तब अब सरकार क्या कर रही है इसके लिए, बनना तो चाहिए, बन जाने से ना सबको सुविधा होगा। हम तो प्रायः रोज दिन आते हैं, इसलिए हमको तो सुविधा ही है पुल बन जाने से। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि नदी में पुल नहीं होने के कारण मेरे समुदाय के लोगों को प्रखंड कार्यालय आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी, जिला उपायुक्त महोदय गुमला, जिसका नाम बीना श्रीवास्तव है, जिसका संपर्क नंबर 06-5242-23081 है। अतः आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे इस नदी पर पुनः पुल बने, जिसे लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा मिल सके। मैं शांति कुमारी बड़ाई, गुमला जिला, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।